काला सागर में डूबने वाले रूस के जंगी जहाज मॉस्क्वा से बचाए गए नौसैनिकों का एक वीडियो रूस ने जारी किया, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद रूस अपने ही जाल में फंस गया और मॉस्क्वा जहाज से जुड़े उसके दावों पर सवाल उठने लगे। अब तक हादसे से जुड़ी कोई तस्वीर तक सामने नहीं आई थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर मॉस्क्वा के कुछ वीडियो डाले गए। वीडियो में जहाज से काले धुएं का गुबार निकलता हुआ दिखा। वीडियो में मॉस्क्वा के करीब एक और जहाज दिखा जो शायद नौसैनिकों के रेस्क्यू के लिए पहुंचा था। मॉस्क्वा पर लगी आग बेहद भयंकर थी। दावा यह किया गया है कि इस आग में सैकड़ों नौसैनिकों की जान चली गई थी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि ये आग कैसे लगी। रूस कहता आया है कि काला सागर में आए तूफान के बाद किसी तकनीकी खामी की वजह से मॉस्क्वा में आग लगी, और यूक्रेन का दावा है कि उसकी नेपच्यून मिसाइल के हमलों ने रूस का सबसे घातक जंगी जहाज ढेर कर दिया। लेकिन अब तक रूस ये मानने को तैयार नहीं था कि मॉस्क्वा के साथ उसके सैकड़ों नौसैनिक भी डूब गए। दावा किया गया था कि मॉस्क्वा पर 510 लोग सवार थे, जिनमें 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हालांकि रूस की तरफ से इन दावों पर अब तक कुछ नहीं कहा गया था, जिसके बाद अब रूस ने एक वीडियो जारी किया। इंटरनेट पर डाले गए वीडियो में रूस के कई सैनिक एक कतार में खड़े दिखे। दावा किया गया कि ये मॉस्क्वा से बचाए गए नौसैनिक हैं, जिनसे रूस की नौसेना के बड़े अधिकारियों ने मुलाकात की। लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने वीडियो में दिख रहे सैनिकों की गिनती शुरू कर दी। एक न्यूज एजेंसी ने वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि सैनिकों की आगे वाली कतार में करीब 50 नौसैनिक हैं और कुछ नौसैनिक पिछली पंक्ति में। रूस का जो जंगी जहाज काला सागर में बर्बाद हुआ वो कोई मामूली युद्धपोत नहीं था। इसी युद्धपोत ने यूक्रेन में बर्बादी की कहानी लिखी थी। जब से ये युद्धपोत डूबा है तब से पुतिन बेहद गुस्से में है, और एक नया वीडियो जारी होने के बाद तो आरोपों के घेरे में पुतिन ही आ गए हैं। हालांकि रूस के जंगी जहाज मॉस्क्वा पर 500 से ज्यादा जवानों और अफसरों की तैनाती रहती थी। ये बात खुद रूस भी कई बार कह चुका है। 2014 में क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद से ही रूस का जंगी जहाज मॉस्क्वा काला सागर में तैनात है। खास बात यह भी है कि रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें ऑडियो नहीं है, मतलब इस बात का खास ध्यान रखा गया कि अफसरों और नौसैनिकों की बातचीत कोई सुन न पाए।